नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक बार आधी रात को मुझे एक फ़ोन कॉल आया और सामने से मुझे एक लड़की ने ये बोला कि मैं सुसाइड करने जा रही हूं और आप क्या कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं। कोई यंग लड़की रही होगी, टीनेजर ही होगी वो, और पहले तो सुन के मुझे बहुत झटका लगा और मेरे भी सच बोलूँ तो हाथ पैर उस समय ठंडे हो गए। उस टाइम मुझे समझ नहीं आया मैं करूँ क्या, पर एकदम से मुझे मैंने परमात्मा को याद किया और फिर मैंने यही सोचा ये परमात्मा जो बुलवाना आप ही बुलवाना मुझे। अब फिर मैंने उसको बोला, पहले पेशेंस से मैंने उससे पूछा, आप अपनी मुझे स्टोरी बताओ, अब मुझे बताओ क्या आपको क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं जो आपको ये सोचने पर फोर्स कर रहे हैं कि आप सुसाइड करें। और देखिए, जब कोई सुसाइड करने का माइंड बनाता है तो बहुत अंदर से इरिटेटेड होता है, बहुत डिप्रेस्ड होता है, तो उस टाइम उसकी कुछ पेशेंटली आपको उसकी बात सुननी चाहिए। तो मैंने सोचा शायद अगर मैं सुनूं उसकी बात तो कुछ ना कुछ मैं हो सकता है इसका माइंडसेट चेंज कर पाऊं। तो उसने समहाउ जो भी सारी स्टोरी मुझे अपनी बताई, तो उसके बाद मैंने भी पेशेंस होल्ड रखी और मैंने उसको एक बात बोली, मैं कहा ये तो कुछ भी नहीं है जो मुझे प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है, ऐसी तो मैंने बहुत सॉल्व की है। तो उसने कहा आप प्लीज मुझे सॉल्यूशन बताइए। तो मैंने कहा ये सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, उसमें कुछ चीजें समझानी पड़ेंगी आपको, तो उससे मुझे उसके लिए आपको मुझे फेस टू फेस मिलना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे मैंने उसको अपने ऑफिस बुलाया। ऑफिस पे मिलने पे फिर मैंने, जब वो मेरे ऑफिस आए, मैंने कुछ बातें उनको कुछ चीजें समझाई, मैंने प्यार से समझाई और वो चीज उसको फिर समझ आ गई और वो लड़की सुसाइड करने से रुक गई। तो आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरा यही ध्येय है कि अगर किसी ने इस तरीके का माइंडसेट बना रखा अपना, या कोई इस तरीके से लाइफ में परेशान है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, तो अगर हो सकता है वो ये वीडियो उसके उस जाता तक पहुंच जाए तो उसका माइंडसेट चेंज हो जाए, सुसाइड करने से वो रुक जाए। तो देखिए, बेसिकली सुसाइड को बोला जाता है आत्महत्या, यानी कि आत्महत्या का भी उतना ही आपको पाप लगता है, उतना ही दोष लगता है जितना हत्या करने पर किसी की लगता है आपको, इसलिए इसको आत्महत्या कहा गया है, अपनी हत्या कर देना। और ज्यादातर इसमें मैंने देखा तीन रीजंस ही होते हैं किसी भी सुसाइड के पीछे, जो मेजर जो कॉजेज रहे हैं तीन। पहले तो पर्सनल रिलेशनशिप्स, उसमें अगर कुछ दरार आ जाए या उसमें कोई डिप्रेस हो जाए तो वो सुसाइड करने की सोचता है। सेकंड, कुछ करियर फेलिंग हो, किसी की करियर में फेलियर हो उसका, उस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो करियर में कुछ कर नहीं पाते, वो भी बहुत डिप्रेस फील करते हैं, तो उनके दिमाग में भी ये सुसाइडल टेंडेंसी बन जाती है। या कोई इंसान फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हो, तो फाइनेंशियल क्राइसिस से भी वो जब जूझता है तो उस दौरान उसका माइंडसेट इस तरीके का बन जाता है। देखिए, एक चीज जो मैं हर इंसान को, इस तरीके की जिनका माइंडसेट है, जो मेरे पास कई बार आते हैं, मैं उनको ये समझाता हूँ कि देखिए, लाइफ है बेसिकली हमें फाइट करनी होती है। अगर हम फाइट नहीं करते तो जो लाइफ, जो मनुष्य होनी है, जो कि दुर्लभ है, ये जो मौका मिलता है ये खराब हो जाता है अगर सुसाइड कर दे इंसान।
और अगर आप स्वेट का अगर कभी दिमाग में किसी आता भी है तो कम से कम उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो आपसे दिल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपको लाइफ में प्रायोरिटी दी है। देखिए यहाँ ये मैं उस एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से कई लोग सुसाइड करते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको टच कर भी दिया, लेकिन कई ऐसे लोग भी तो होंगे आपकी लाइफ में जो आपको प्रायोरिटी देते हैं चाहे दूसरे रिलेशन में हो। तो उन लोगों का ही थोड़ा सा आप सोचिए, एक बार उन लोगों का सोच के आप रुक जाइए। सुसाइड करना तो ये आत्महत्या, जब बोला ही बता ही रहा हूं मैं, अगर बोला गया तो ये हत्या के इक्वलेंट है। और इसका हशर इंसान की सोल के लिए, सोल की एवोल्यूशन के लिए, उसमें उसकी इंसान की जो आत्मा है उसकी आध्यात्मिक जर्नी के लिए बहुत खराब है। तो सुसाइड किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है, एकदम अनजस्टिफाइड है ये। तो कोई भी अगर जाता किस तरीके का अपना माइंडसेट बनाते हैं तो ध्यान रख लीजिए, अगर अभी कार्मिक डेप्ट क्लियर नहीं कर रहे, अगर आप अभी अपने कर्मास क्लियर नहीं कर रहे, अपने प्रारब्ध क्लियर नहीं कर रहे अभी, तो बाद में फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हो सकता है आपकी बार किसी निम्न योनि में आपको जन्म लेना पड़ जाए। मनुष्य योनि तो बहुत दुर्लभ है और ऊंची योनि मानी गई है। तो ये सुसाइड के लिए आज मैंने सुसाइड के अगेंस्ट ये वीडियो बनाया, और आशा करता हूँ कि अगर किसी का भी इस तरीके का माइंडसेट कुछ बन रहा होगा, अगर उसको एक बार देख लें, तो कृपया करके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप सुसाइड से प्लीज़ माइंड चेंज अप कर लीजिए, सुसाइड नहीं करिएगा, जिंदगी से फाइट बैक कीजिएगा। और थोड़ा अगर अपना माइंडसेट चेंज करेंगे आप, तो आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स लाइफ में आने धीरे धीरे स्टार्ट हो गए। उसके लिए बस पेशेंस रखिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में हम जो भी वीडियोज़ बनाए वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। नमस्कार।